हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा था हमने, समझ में आ गया? यू ऑल आर गेटिंग मी और नॉट? ओके, नाउ वी स्टार्ट टुडे विद वन मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन. ओके, ठीक है. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, ओके. आई एम आल्सो फाइन बेटा, आई एम आल्सो फाइन. ओके, लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा था हमने, समझ में आ गया? यू ऑल आर गेटिंग मी और नॉट? ओके, नाउ वी स्टार्ट टुडे विद वन मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन. ओके, ठीक है. तो शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल्स थ्रू द अकाउंटिंग इक्वेशंस. ओके, फर्स्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन इज यू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000, अनदर रेंट रिसीव्ड 10,000, इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000, रिसीव डिविडेंड 5,000, परचेज गुड्स और क्रेडिट फ्रॉम रागिनी 35,000, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस 7,000, and sold goods for cash costing 10,000 goods, or you sell the goods on amount 14,000. ठीक है, आपने 10,000 की goods 14,000 में sold की, then what you get? You get a profit of rupees, how much? Tell me. Yes, you are right. You get a profit of rupees 4,000. Then cash paid to Ragini 35,000, deposited into bank 20,000. Now start the questions. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो आपके पास फर्स्ट कौन सा अकाउंट आपका इसमें इफेक्ट हो रहा है? कैश इफेक्ट हो रहा है. ओके, वन अकाउंट इज कैश, अनदर अकाउंट इज कैपिटल. ओके, देन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांजेक्शन, आपके पास बिजनेस में 1,20,000 का कैश आ गया, कम से. ठीक है, योर कैश अकाउंट इंक्रीज बाय 1,20,000. ठीक है, और इसके साथ ही आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई. ठीक है, लायबिलिटी कौन सी इंक्रीज हुई आपकी? कैपिटल. ओके, देन मूव टू नेक्स्ट इक्वेशन, रेंट रिसीव्ड रुपीज 10,000. ओके, रेंट रिसीव्ड रुपीज 10,000. ठीक है, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव क्या आपकी, क्या नेचर है रेंट रिसीव का? रेंट रिसीव्ड. ठीक है, ये आपका इनकम है. ठीक है, इनकम का अकाउंट कौन सा होता है? नॉमिनल. ओके, इनकम का अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल. ठीक है, तो अब आप चलिए शुरू करते हैं. रेंट रिसीव्ड, तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? ये आपके कैश को इंक्रीज कर रहे, इनकम हो रही है. इनकम होती है तो आपका कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा बेटा, बताइए. यस शिवम, बताइए, इंक्रीज और डिक्रीज? यस इंक्रीज. ओके बेटा, ओके. तो रेंट रिसीव से आपका 10,000 से कैश आपका क्या हो गया? ठीक है, 10,000 से आपका कैश क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, प्लस 10,000. ओके, अगेन इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द कैपिटल, तो कैपिटल भी आपकी 10,000 से क्या हो गई? इंक्रीज. नाउ देन न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन आप क्या करेंगे? दोनों अकाउंट्स को, दोनों ट्रांजेक्शन को ऐड करिए. 1,20,000 प्लस 10 कम्स टू 1,30,000. ओके, देन इन बिटवीन जो भी आपके अकाउंट ब्लैंक है उनको आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना है. ब्लैंक छोड़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी और आपकी मिस्टेक्स ज्यादा होंगी, तो आपने इन बिटवीन जहां भी आपके अकाउंट्स ब्लैंक है आपने जीरो मार्क कर देना है, इससे आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी. ओके, मार्क जीरो टू द ब्लैंक अकाउंट्स. ठीक है, ओके. देन कैपिटल कितनी हो गई आपकी? 1,30,000. ओके, देन नेक्स्ट इज रिसीव्ड, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, आपने इन्वेस्ट किया. ठीक है, इन्वेस्ट शेयर्स में इन्वेस्ट किया
तो क्या हुआ बेटा इसमें कैश आपका शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो आपका कैश क्या हुआ कम्स इन और गोज आउट यस 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 गोज आउट कैश आपका डिक्रीज हो रहा है कितने से डिक्रीज हो रहा है आपका 5000 से आपका कैश डिक्रीज हो गया और आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई एसेट एसेट भी आपका इंक्रीज हुआ उसका नाम है आपका शेयर्स शेयर्स को साथ में आप क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं इट कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट ठीक है शेयर्स भी लिख सकते हैं पर आपने यहां इन्वेस्टमेंट लिखना है ठीक है चलिए तो आपका इन्वेस्टमेंट आपका कितने की इन्वेस्टमेंट होगी बिजनेस में आपकी 5000 ठीक है अगेन जितने भी अदर अकाउंट्स हैं यदि कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है कोई चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसको क्या मार्क करेंगे ठीक है उनको आप क्या मार्क करेंगे जीरो ओके नाउ अब फिर आप करंट पोजीशन निकालिए आपकी करंट पोजीशन मींस न्यू ओकेशन ठीक है एट द एंड ऑफ ट्रांजेक्शन आप सी व्हाट्स द पोजीशन ऑफ योर बिजनेस हाउ मच कैश यू हैव इन द बिजनेस कैसे निकालेंगे आप बताइए यस यस यू सूर्यांश नो रॉन्ग यस रोहन आप बताइए यस ओके ओके रोहन यू आर राइट ओके कीप इट अप गुड तो कितना आपके पास हो गया 130-5 कम्स टू 125,000 ओके और इन्वेस्टमेंट आपकी हो गई 5000 ठीक है नो चेंज इन स्टॉक नो चेंज इन बैंक अकाउंट नो चेंज इन क्रेडिटर अकाउंट एंड ऑल्सो देयर इज नो चेंज इन योर कैपिटल अकाउंट ठीक है बेटा अच्छा एट द लास्ट आपने जब भी आप न्यू लोकेशन बनाते हैं तो आपने चेक करना है यू हैव टू चेक दैट बोथ साइड्स आर इक्वल और नॉट ठीक है आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड चेक इट इज इट इक्वल और नॉट यस इज इट इक्वल 1,25,000+5 कैसे आपने चेक करना है इसका आप टोटल करिए व्हाट कम्स 1,30,000 ओके देन कम टू राइट साइड यस राइट साइड का टोटल आपकी कहां से शुरू होती है राइट साइड यहां से शुरू होती है इसका टोटल भी कितना आ गया 1,30,000 मतलब हमारा जो क्वेश्चन है आपकी जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है आप ठीक कर रहे हैं ओके चलिए इसको रफ कर लेते हैं चलिए न्यू ओकेशन आपकी ओके चलिए अब आपका न्यू ओकेशन हमने रिकॉर्ड किया आपका रिसीव्ड डिविडेंड ओके ठीक रिसीव्ड डिविडेंड अगेन मैं आपको बताना चाह रही हूं रिसीव्ड डिविडेंड ये क्या नेचर है इसका आपकी ये इनकम है कि एक्सपेंस है बोलिए इज दिस एक्सपेंस और अ इनकम यस दिस इज अ इनकम अब इनकम है तो आपका ये किसको इफेक्ट करेगी आपका कैश को इफेक्ट करेगी आपकी स्टॉक को इफेक्ट करेगी या बैंक को इफेक्ट करेगी ठीक है आपको क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि जो डिविडेंड आपने रिसीव किया है वो आपको कैश मिला है या चेक मिला है तो आपने इसको क्या एज्यूम करना है कि यू गेट दिस डिविडेंड इन कैश ओके तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपका कैश इंक्रीज हो गया आपका कितने से 5000 से कैश इंक्रीज हो गया ठीक है अगेन दूसरा अकाउंट कौन सा इफेक्ट होगा कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट को भी आप 5000 से आप इंक्रीज करेंगे ओके सबको क्लियर हो रहे हैं एनीवन हैव अ डाउट नो ओके वेरी गुड चलिए शुरू करते हैं जो जितने भी नेक्स्ट जो रिमेनिंग है जिसमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है आपने जीरो करने हैं ऐसे बेटा एक बात और ध्यान में रखनी है आपकी जो वंस और टेंस की जो पोजीशन है उसको फॉलो करना है फिगर्स जो आपके आने चाहिए वंस के नीचे वंस टेंस के नीचे टेंस 100 की पोजीशन से 100 इससे कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं होगी आपकी अगेन आपकी बिजनेस की पोजीशन बताइए एट द एंड ऑफ डी ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ अ डी कैश पोजीशन इज ऑफ 1,30,000 ओके इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 5000 अगेन नो चेंज इन स्टॉक नो चेंज इन बैंक एंड सेम एज टू क्रेडिटर्स एंड व्हाट द पोजीशन ऑफ कैपिटल 1,35,000 ओके देन
Move to next transaction F. Paid cash for rupees 7000. आपने कैश दिया है, मतलब कैश गोज आउट हो रहा है आपका, ठीक है, गोज आउट बोल सकते हैं आप, डिक्रीज हो रहा है भाई कैश, ठीक है. तो नो, हमने ट्रांजेक्शन हमसे मिस हो गई है, हम ट्रांजेक्शन ई कर रहे थे, ठीक है. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 35000, ठीक है. इसमें आपके कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है. तो आपके जो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, परचेज गुड्स एक गुड हो रहा है और आपने क्रेडिट में खरीदा है, मतलब उधार खरीदा हुआ है. क्रेडिट जो है आपका दूसरा एक अकाउंट आ गया आपका क्रेडिटर, ओके, और एक अकाउंट आ गया आपका स्टॉक. फिर आपने देखना है कि कौन सा अकाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है. तो आप देख रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो गुड्स आपके पास क्या हो रही है, कम्स इन हो रही है. कम्स इन को आप क्या बोल सकते हो, इंक्रीज हो रही है. इंक्रीज मीन्स प्लस, गुड्स आपकी इंक्रीज हो रही है और आपने गुड्स क्रेडिट में खरीदी हुई है, तो आपकी साथ में ही लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई, ऑब्लिगेशन बढ़ गई कि आपने गुड्स उधार में खरीदी है और आपको पैसे पेमेंट करने हैं. तो आपने क्या करना है, टैक्स अकाउंट आपका क्रेडिटर इफेक्ट हो रहा है, तो क्रेडिटर भी आपका इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो गई, मीन्स इंक्रीज मीन्स प्लस, ओके. चलिए अब इसको पोस्ट करते हैं इसमें. किसी ने यदि नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है. यदि अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस चीज का, और साथ में हमारे लिंक पे भी आपको ये सारे वीडियो अवेलेबल रहेंगे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. चलिए हम कहां थे, पेड कैश फॉर सेवेंथ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 35000, ठीक है. तो उधार पे आपने खरीदा है, मतलब आपके ये स्टॉक को इफेक्ट कर रहा है, स्टॉक आपका इफेक्ट हो रहा है 35000 से, एंड अगेन इट आल्सो इफेक्ट अवर क्रेडिटर अकाउंट, ओके 35000. जो विदाउट इफेक्टेड अकाउंट्स है, मतलब जिस पे जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ा हुआ है आपका, उसको आप जीरो मार्क कर देंगे, कैलकुलेशन में आसानी होती है, जैसे पहले मैंने बता चुकी हूँ आपको, क्लियर. चलिए अगेन न्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कैश, सेम एज 130, ओके. शेयर्स इन्वेस्टमेंट इज 5000, ओके. स्टॉक इज ऑफ 35000. Then in bank account zero, no change. Creditors 35000. Capital 1,35,000. Yes, Priyansh, please check it. Both sides are equal or not? Yes. One lakh thirty plus one lakh sixty five, one lakh seventy. Then 1,30,30,60, ओके 1,70,000, ओके बोथ साइड्स आर इक्वल, मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है, हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है. बीच में ही हमें चेक, बार बार हमें चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि लास्ट में हमें मिस्टेक पता लगती है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है करेक्शन का, ठीक है. क्योंकि मेरे पास तो स्क्रीन है, मैं इसे जब चाहे इसको इरेज कर रही हूँ, आप देख रहे हो, पर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको फिर से नए सिरे से फिर से क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा, और इससे आप क्या होगा, आप सही समय पर आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, और आप अपने मार्क्स लूज कर पाएंगे जो आपके लिए बहुत ही कीमती हैं, ओके. देन पेड कैश फॉर रुपीज 7000, आपने 7000 कैश पे किया, 7000 कैश माइनस कर देंगे आप, ठीक है. अगेन 7000 आप कहां से डिडक्ट कर देंगे, कैपिटल से, एंड अदर अकाउंट्स को आप जीरो मार्क करेंगे. चलिए नाउ रिजल्ट्स आर 1,30,000 - 7, 0, 0, 10 - 7, 3, 1,23,000, ओके 5,000 प्लस स्टॉक 35,000, बैंक में 0, 35,000 एंड 1,35,000 - 7 अगेन 1,23,000. अगेन चेक इट, बोथ साइड्स आर इक्वल और नॉट, 1,23,000 + 5, 1,28,000, ओके 1,28,000 + 30, 1,58,000 + 5, 1,63,000, ओके. चेक करिए वाली साइड, चेक द राइट साइड, ठीक है. यदि आपका 1,23,000
plus 35,000. 1, 2, 3. That is 8, 3, 4, 5, 1,58,000. ठीक है, तो आपका 1,30,000 आपका कहां तक आपने चेक किया था, 1,35,000 और 540, 1,40,000 और 1,40,000, 50, 60, 70, 1,70,000 यहाँ पे भी आपका चेक किया था हमने, 1,30,000, 30,30, 60, 65, 70 यहाँ तक हमारा ठीक था। देन हमने 1,30,000 में से कैश पे किया 7, 1,30,000 माइनस 7 इज 123 और नॉट, यस 1,23,000 प्लस 5 प्लस 35, ठीक है, स्टॉक आपका है 35 का और क्रेडिटर्स भी आपके 35 के ही है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं लेफ्ट साइड का टोटल, 0,0,0,5,0,3,8,3,5,1 इज ओके, ये राइट हैंड साइड का टोटल है। अब LHS लेफ्ट हैंड साइड का टोटल चेक करते हैं हम लोग, तो आपका फिगर्स आर 1,23,000 प्लस 5, 1,28,000 ओके, देन प्लस 35,000, 0 ओके, 8, 3, 1, 3, 4, 5, 6, 1,63,000 डिफरेंस ऑफ, ठीक है आपका। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है चलिए आपके जो ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका रिसीव डिविडेंड इज ऑफ 5,000, इन्वेस्टेड शेयर 50,000, ठीक है, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस 7,000, सोल्ड गुड्स 10,000 ऑफ, ठीक है। प्लीज ये इनको ट्रांजेक्शन का आप नोट करिए एक जगह पे, 1,20,10,55,35,7, ठीक है, इनको हम चेक करेंगे क्वेश्चन में। ओके, रिसीव्ड डिविडेंड, रिसीव्ड डिविडेंड देखिए यहाँ पे, देखो ऐसे आपने कैसे मिस्टेक, यदि क्वेश्चन में हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है। जैसे अभी देखिए हमने यहाँ पे 5,000 लिखा है और यहाँ पे हमने कितना लिखा हुआ है, सेम नहीं, नो यहाँ कोई मिस्टेक नहीं है, 1,35,000 है यहाँ पे। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स हमने 35,000 की गुड्स आपने परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, 35,000 की गुड्स खरीदी और उधार पे खरीदी तो 35,000, ठीक है। पेड कैश फॉर 7,000, कैश डिडक्ट हुआ, यहां से भी आपका कैश डिडक्ट हो गया, 1,30,000 माइनस 7, 1,23,000 ओके, एंड 1,35,000 माइनस 7, चेक करिए यहां मिस्टेक है, देखिए चेक करो यहां पे, 1,35,000 माइनस 7, वन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड माइनस, प्रियांश आपने बताया था ये, अगेन चेक करो आपने कैसे बताया ये, ठीक है, 1,23,000 कैसे आया आपका, चेक करो इसको हमेशा, फिर से चेक करो, 0,0,15 माइनस 7, 8 ओके, 1,28,000 ओके, करेक्शन कर लीजिए, ठीक है, जहां भी मिस्टेक आपका हुआ है प्रियांश करेक्ट इन योर नोटबुक अगेन, ओके, इज इज नॉट 1,23,000, 1,28,000 ओके गुड। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 10,000, मतलब आपने गुड्स सेल की है अपने, ठीक है, इसका मतलब आपका जो स्टॉक है वो डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज करिए स्टॉक को, कितने हजार से डिक्रीज हो रहा है आपका, 10,000 से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और कितना अमाउंट कैश कितना आ रहा आपके पास, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, कम्स इन कितना आ रहा है आपके पास, कैश 14,000 कैश आ रहा है आपके पास, ओके, तो 10,000 की गुड्स आप 14,000 में सोल्ड कर रहे हैं ना, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट, ठीक है, और प्रॉफिट को आप कहां करेंगे, इसको आप कैपिटल में एड कर देंगे, ओके, अगेन जीरो मार्क करिए जहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, नो चेंज है जहां पे, चलिए न्यू इक्वेशंस, अगेन 10
चलो प्लस करिए 1,23 + 14 = 0, 0, 0, 4 + 3 = 7, 2 + 1 = 3, 1,37,000. ठीक है, 1,20 + 10, 1,30, 1,34 + 3, 1,37. ओके, देन 5,000, देन 35 - 10 = 25,000. ओके, बैंक अकाउंट नो चेंज, क्रेडिटर्स इज ऑफ 35,000. ओके, देन कैपिटल 1,28,000 + 4 कितना हुआ बताइए, 3,8 + 4 = 1,32,000. ओके, चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस, कैश दैट इज द आवर सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन. इससे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि इस क्वेश्चन को आप फिर से रिवाइज करेंगे अच्छे से, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं ताकि आपके मैं डाउट्स क्लियर कर सकूं, ताकि आपके जरा से भी डाउट्स ना रहे, ठीक है. और कैश पे टू रागिनी, ठीक है, आपने कैश दिया, ठीक है, 35,000 आपने कैश पे किया, अब रागिनी को पे कर रहे हैं, तो रागिनी कौन है, क्यों, ऐसे तो हम किसी को पे नहीं करेंगे, है ना, तो रागिनी हमारी कौन हो सकती है, इज अ क्रेडिटर, जिसको हमने कैश देना होता है ना अगेंस्ट परचेज, वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, ठीक है. तो आप रागिनी को कैश दे रहे हैं, तो आपके जो क्रेडिटर्स है, मतलब जो उधारी है, जो आपकी लाइबिलिटी, वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई. तो आप यहां पर क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 35,000 से इसको डिक्रीज कर देंगे, आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है. अगेन मार्क 0, 0, ठीक है. नाउ व्हाट्स द रिजल्ट, 1,37,000 - 35 टू 1,02,000 + 5,000. ओके, देन स्टॉक इज 20,000 कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के लिए माफी चाहूंगी, कंटिन्यू करते हैं, चलिए. देन स्टॉक, स्टॉक कितना है आपका, 20,000. ओके, बैंक में आपका अभी तक नो चेंज है आपका, और आपकी लाइबिलिटी क्रेडिटर्स आपकी जीरो हो गई है, आपने उधारी की थी 35,000 की, और आप 35,000 पे कर चुके हैं, इस बात का आपने ध्यान रखने हैं. ओके, और कैपिटल आपका कितना है, 1,32,000. ओके, देन लास्ट ट्रांजेक्शन डिपोजिटेड इनटू बैंक रुपीज 20,000, आपने बैंक में जमा करवाए, तो आपका जो कैश है वो 20,000 से आपका कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आगे, ठीक है, 20,000 से कैश कम हो गया. अब ये कैश कहाँ ट्रांसफर हुआ है आपका, कौन सा अकाउंट इंक्रीज हुआ, कौन सा अकाउंट डिक्रीज हुआ, ठीक है, आपका एक कैश है, एक अकाउंट कैश की बात हो रही है, दूसरा अकाउंट बैंक की बात हो रही है, तो कैश आपका गोज आउट हो रहा है, गोज आउट मतलब माइनस, और बैंक में आपका कम्स इन हो रहा है, आ रहा है पैसा, तो मतलब प्लस, ठीक है, जिसको आप कहां प्लस करने वाले हैं, बैंक में प्लस करने वाले हैं. ओके, चलिए बाकी जगह जीरो मार करिए, हम हमारा क्वेश्चन अभी ओवर होने वाला है, लास्ट एंट्री हम कर रहे हैं, ठीक है. अगेन मैं रिपीट करती हूँ, कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को फिर से देख सकते हैं, ठीक है. अगेन यहां पे आप जीरो, फाइनल इक्वेशन 1,02,000 - 20 करिए जल्दी से, 0, 2, 10 - 2 = 8. ओके, चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, 80, 90, 100, 1,02,000. ओके, देन 5,000 + 25,000 + 20,000 इज इक्वल टू 0 + 1,30,000. ये हमारी फाइनल ट्रांजेक्शन है. एट द लास्ट हमने जब क्लोजिंग करनी है तो लास्ट लाइन को हम डबल अंडरलाइन करेंगे. डबल अंडरलाइन मतलब हमारा क्वेश्चन अब हमारा ओवर हो चुका है, ठीक है. चलिए एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, ठीक है, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, कल इसी समय पे मैं पबिता भारद्वाज विजय पथ अकेडमी से,
ठीक है, कल इसी टाइम पे इसी समय पे हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय बेटा, बाय।